हेलो एवरीवन, एक छोटा सा इनोवेटिव तरीका जो मैं यूज़ करती हूँ और मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया इसको, तो आई थॉट कि और लोगों के साथ भी इसको शेयर करना चाहिए। आई थिंक ये अच्छा होगा। नॉर्मली हम लोग अपनी उंगलियों पर बच्चों को गिनती जोड़ना इस तरह से सिखाते हैं, तो क्योंकि जो चीज़ वो अपने मसल्स के साथ या अपनी बॉडी के साथ कोरिलेट करके करते हैं उसको वो ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के कि बच्चे टच से जल्दी सीखते हैं, पहले टच से सबसे ज़्यादा वो टच से सीखते हैं, फिर उसके बाद फीलिंग से सीखते हैं, और आफ्टर दैट दे लर्न फ्रॉम थिंकिंग। तो टच से छोटे बच्चे ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस करके मैंने आइडिया निकाला कि क्यों ना हम अल्फ़ाबेट्स को भी अपने बोर्ड पे उंगलियों के कॉलम्स पे याद कराएं उन्हें। तो लाइक दिस हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के बोर्ड पे लिख देते हैं इस तरह से, जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ ABCDEFGHIJKL एंड हेयर वी आर रिटन MNOPQRSTUVWX एंड फ्रॉम दिस थंब वी शो लाइक दिस वाई, ओके लाइक दिस वाई, एंड फ्रॉम दिस थंब आई यूज़ टू शो जेड, और वी कैन राइट द वाई और जेड इन द पाम ऑल्सो। तो एक तो ये इंटरेस्टिंग तरीका होता है कि बच्चे एक दूसरे पे के हाथ से हाथ पर लिखवाते हैं, अच्छा तो मेरे हाथ पे लिखो, तो मेरे हाथ पे लिखो। आप उनको कॉपी पे लिखने को बोलोगे तो दे विल नॉट टेक इंटरेस्ट, कि वो मोनोटोनस रूटीन है डेली का, आप कॉपी पे ए टू जेड लिखवाते हैं। तो एक तो ये फ़ायदा है, इंटरेस्ट क्रिएट होता है जिन बच्चों को, एक तो इस पर उनको याद रहता है अच्छा इतने मुझे कॉलम्स ऐसे पढ़ने, और वाई एक थंब से और दूसरे थंब से जेड करना है, या एक पाम से वाई करना है और दूसरे पाम से आई हैव टू से जेड। तो 26 अल्फ़ाबेट हैं, उनको गिन के भी याद रहते हैं और ऐसे बहुत इंटरेस्ट आता है उन्हें करने में। दूसरा हम ये देखते हैं जब बच्चे की आँख बंद करवा देते हैं और हम लोग और बच्चे की उंगली पे या उसके पाम के ऊपर हम उस अल्फ़ाबेट को लिखते हैं, तो जो वो फील करता है टच को, उस अल्फ़ाबेट के शेप को, तो वो फील करके ही बताता है अच्छा मैम आपने ए बनाया है कि क्यू बनाया है कि ई बनाया है। मीन्स जब वो लिख रहा है तो उस चीज़ को फील कर रहा है, अच्छा पेन ऐसे करके ऐसे घुमा, बीच में मार्क किया है। तो दिस इज़ हाउ दे कैन ईजली लर्न द अल्फ़ाबेट्स इन अ वेरी इनोवेटिव एंड इंटरेस्टिंग वे। If you like this, then please use it with your students also. Thank you.